हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल एक्शन स्प्रे। आज मैं जिन लोगों के स्किन में एलर्जी हो जाती है, खुजली हो जाती है, इरिटेशन होती है, दाने हल्के से निकल आते हैं उसकी वजह से खुजली हो जाती है, या यहाँ पे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से खुजली होती है। खुजली होना, इरिटेशन होने के कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन आपको मैं बहुत सरल सा फार्मूला बताने वाली हूँ जो आपके लिए करना बहुत आसान है, और मुझे लगता है कि आपको 50 रुपए भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। आपको बहुत महंगी महंगी मेडिसिन नहीं खानी पड़ेंगी। मैं मेडिसिन खाने के लिए इसलिए अवॉइड करने के लिए कहती हूँ, मेडिसिन होती है वो हीट जनरेट करती है हमारी बॉडी में। आपके पेट में हीट जनरेट हो या आपकी स्किन में, तो वो आपके फेस पे बहुत जल्दी दिखाई देती है। आपको ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे आपके फेस में ठंडक हो, स्किन पे ठंडक लगे। तो आप इसे क्या कर सकते हो, उसके लिए मैं आज एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आई हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पास में है बेल आइकन, इसे भी दबा दो ताकि आपको चीप एंड बेस्ट रिजल्ट देने वाली चीजें देखने को मिलती रहे। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये मुलेठी। ये मुलेठी पाउडर आपको दिख रहा है, ये हमारी बॉडी को हीट कम करके हमारी बॉडी में स्किन में ठंडक देता है। ये बहुत चीजों में काम आता है, हमारे डाइजेशन को अच्छा करता है, हमारी स्किन में आंखों में रोशनी को बढ़ाता है, हमारे स्किन में दाग खाज खुजली टाइप की चीजें हो जाती हैं उसको आराम देता है। पर मैं उन सब चीजों के चक्कर में नहीं पड़ती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। इसमें पाया जाता है ग्लिसरिक एसिड और इसमें पाया जाता है एंटी इंफ्लेमेटरी एसिड, जिसकी वजह से ये हमारी स्किन को बहुत ठंडक देता है। जब भी हमारे फेस में ये सब चीजों की खुजली की, जलन की, इरिटेशन की प्रॉब्लम होती है तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। आपने इसके बहुत सारे उपयोग सुने होंगे। अगर आपके मुंह में बहुत सारी स्मेल आती है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, अगर आपके गले में खराश रहती है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। पर हम आज इसका यूज करने जा रहे हैं अपनी स्किन प्रॉब्लम के लिए। अब मुझे इसके लिए क्या करना है, मुझे लेना है ये आधा चम्मच, हमने मुलेठी पाउडर ले लिया है। मुझे ये एंटी एलर्जी के लिए बनाना है, इसलिए मैं इसको फेयरनेस के लिए कोई भी चीज इसमें नहीं डाल रही हूँ। तो अगर आपको दही सूट करता है तो ये आपके लिए डबल काम करेगा। क्यों? क्योंकि दही होता है ठंडा, और दही में ऐसी बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं जो आपकी स्किन को बहुत आराम देने वाली हैं। तो इसमें आपको थोड़ा यानी आधे चम्मच करीब दही लेना है और इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसमें आपको रोज वाटर की जगह पे, जो चीज आप लोग सोचते हैं कि रोज वाटर डाल लें, आपको रोज वाटर की जगह पे जो एक चीज डालनी है वो है कच्चा दूध। अगर आप इसको एक पेस्ट फॉर्म में बनाना है तो आपको इस तरह से कच्चा दूध डालना है जिससे कि ये पेस्ट फॉर्म में बन जाए। कच्चा दूध आपको पता है इसमें बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं जो हमारे फेस के लिए बहुत उपयोगी होती हैं। मैं इसको हाथ से घोल रही हूँ। देखो, आपको मैं एक बात बता दूं कि जो हमने दही लिया है उसमें भी लैक्टिक एसिड पाया जाता है और मिल्क में भी पाया जाता है, लेकिन कच्चा दूध अपना काम करता है और दही अपना काम करता है। दही बहुत ठंडक देने का काम करता है, आपकी एलर्जी को कम करने का काम भी करता है। अगर आपके फेस में इचिंग हो रही है और खुजली जैसा लग रहा है या पिगमेंटेशन है और गर्मियों का टाइम है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने फेस पे धीरे धीरे इसको, जैसे आप पहले कुछ भी चीज लगाते हो तो आप सबसे पहले क्या करते हो, रोज वाटर से क्लीन कर लेते हो। पर मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको खुजली की प्रॉब्लम है या किसी प्रकार की इचिंग है, आपको किसी प्रकार से दाने निकल आए हैं फेशियल कराने के बाद या ब्लीच करने के बाद, तो आप सबसे पहले हमेशा आइस लगा लें। आइस लगाने से क्या होता है, आपके फेस की जितनी भी इचिंग होती है, दाने होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा आराम मिलता है। आपको कुछ नहीं करना है, बस एक मिनट के लिए आपको इस तरह से फेस पे इसको लगाना है। इससे चेहरे को ठंडक मिलेगी और ठंडक के साथ साथ जो आपकी इचिंग की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। अब हमें लगाना है ये, इस फेस को अच्छे से अपने पूरे फेस पे लगा लूंगी। फेस पे लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको इसी में सुखा लेना है। ये मुलेठी है जो आपकी बहुत सारी चीजों में काम आती है। अभी तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि इस मुलेठी से आपकी इचिंग दूर होती है, लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये मुलेठी का मैं अगला वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये बहुत जल्दी फेयरनेस लाती है। ये पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम, जिनकी झाइयों की प्रॉब्लम होती है और सनबर्न की प्रॉब्लम होती है, वो भी इससे बहुत जल्दी दूर होती है। तो मैं आपको बताऊं कि ये मुलेठी आपके लिए बहुत जरूरी है, ये आपके घर में होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग फेशियल वगैरह करा के आ जाते हैं और बहुत जल्दी से उनको इचिंग होने लगती है, दाने निकल आते हैं। आप इसको लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और आपको बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप किसी भी पैक को लगाएं, हल्का सा रब करके लगाएं, उससे क्या होता है आपके फेस की जो क्लीनिंग भी हो जाती है और आपको
पैक का या स्क्रब का असर भी ज्यादा होता है। तो आपको हल्का सा रब करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है, हल्का सा रब करना है, और रब करने के बाद इसको आपको छोड़ देना है। अगर आपको लगे कि ये प्रॉपर नहीं लगाए तो आप इसको एक बार दोबारा लगा लें। इसमें आपको कुछ भी दिक्कत नहीं है, इसके कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं, और आप इसको जैसा चाहें वैसा आराम से लगा सकते हैं। इस तरह से आप लगाएंगे तो ये नहीं है कि इचिंग की प्रॉब्लम तो दूर होगी होगी, लेकिन आपका कलर भी फेयर होगा, आपको पिगमेंटेशन में भी आराम मिलेगा। लेकिन हाँ, उसके लिए और क्या क्या चीजें इसमें मिलाई जाती हैं या कैसे उसका पैक बनाया जाता है, मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगी क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, और मैं किसी और दिन इसका वीडियो बनाऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि इसमें आपको क्या मिलाना है जिससे कि आपकी झाइयों की प्रॉब्लम है वो ज्यादा जल्दी दूर हो, और आपको क्या करना है जिससे कि ये मुलेठी आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद है। एक बात और है कि अगर आपको दाने ज्यादा हैं या आपकी किसी तरह की प्रॉब्लम ज्यादा है तो आप इसमें हल्का सा उस जगह पे हल्का सा राउंड राउंड रब करके छोड़ दें। इस तरह से आप जब सूख जाएगा तो आप इस पे दोबारा कोट कर सकते हैं। देखो ये 50-60% सूख गया है। अब मैं इसको हल्का सा रब करते हुए इसको क्लीन कर लूंगी और क्लीन करके आपको फेस को दिखाती हूँ। फेस वॉश करने के बाद आपको ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इससे फेस गोरा होता है या इससे फेस बहुत पिंपल्स हट जाते हैं। ये इचिंग के लिए मैंने वीडियो बनाया था, तो इससे इचिंग में बहुत आराम मिलता है। हाँ, मुलेठी के और बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर आपके पेट में दर्द हो, आपके सांस में लेने में दिक्कत आती हो, आपको पेट में पथरी हो, आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, आपके यूरिन में प्रॉब्लम आती हो, जलन होती हो, तो उन सब चीजों के लिए ये मुलेठी बहुत रामबाण होती है। मुझे लगता है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम ना भी हो तो भी जो आपको घर में सौंफ खाने की या मुंह को फ्रेश करने के लिए कुछ खाने की जरूरत लगती है तो आपको मुलेठी की छाल जो होती है उसको जरा सा खाने की जरूरत होती है। सुबह शाम अगर आप दो बार खाना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि ये आपके पेट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको बहुत आराम देगा। ये मुलेठी हमारे पुराने टाइम में बहुत लोग यूज करते थे, और ये जो मैंने आपको बताया है इचिंग वाली बात बिल्कुल सच है, क्योंकि इचिंग इससे बहुत जल्दी दूर होती है। इसमें होती है बहुत ज्यादा ठंडक। मैंने आपको बताया कि इसमें ग्लिसरिक एसिड होता है, प्रोटीन होता है, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है, इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये आपके फेस के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया है ये आपको इचिंग में बहुत आराम देगी। आप जब चाहें फेस को ठंडक देना चाहें आपको लगा सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे भर भर के लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जिस दिन इचिंग होती है उस दिन ये समझ में नहीं आता है कि मैं किससे पूछूं क्या सही उपाय है। तो मुझे लगता है कि ये आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी चाहिए ताकि ये रेमेडी सभी के पास पहुंच सके, और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।